आज हम देखिए कितना लजीज बना हुआ है, कितना देखने में मुंह पानी आ रहा है। आज मैं हैदराबादी चिकन बना रही हूँ, तो किस तरीके से बनाते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब इसके लिए आपको हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रेस्टोरेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है, हमने लेग वगैरह नहीं लिया है, इसमें बोनलेस लिया है, इक्का दुक्का इसमें हड्डी है, तो इसको हमने साफ करके धो लिया है। अब इसको सबसे पहले हम इसमें बॉल में इसको डाल देंगे। इसको पूरा इसमें डाल देंगे। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जीरा वगैरह सब हमने इसमें पीसा हुआ है। अब डालेंगे इसमें ढेर सारी मिर्ची, जाएगा इसमें दही। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अगर दही नहीं है तो नींबू का रस डाल सकते हैं, अगर नींबू का रस नहीं है तो दही डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, दोनों में से एक तो डालना ही डालना है। अब इसको इसमें डालेंगे हम नमक, अब जाएगी इसमें हल्दी। चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं अच्छी तरह। लबलबाते हुए मैरिनेट करते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे, तब तक के लिए अब इसको ऐसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक के लिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए हमने सबसे पहले ये धनिया ले लिया है, हरा धनिया, एक चार पांच पीस बादाम के ले लिए, थोड़े हमने काजू ले लिए, और लहसुन की कली है 15-20, तीन हमने अनियन ले लिए, प्याज, और 8-10 मैंने हरी मिर्ची ले ली, हरी की पकी हुई मिर्ची है ये। अब ये मसाले को हम पीस लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं पीस के मसाला कैसा बनता है। प्याज को काट लेते हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं पतला भी नहीं, सबसे पहले ये हम प्याज डाल देंगे। और इसी के साथ में हम थोड़े खड़े मसाले जो हैं ये डालेंगे, इसमें लौंग है, दालचीनी है, और आपका ये पत्थर का फूल है, ये सब इसमें डाल देंगे, जैसे हो रहा है, और साथ में थोड़ा सा इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा थोड़ा डाल देंगे इसमें, और ये हमने जो बादाम लिए हैं ये भी इसमें डाल देंगे, और ये लहसुन की कली ले रखी जो हमने ये भी डाल देंगे। और साथ में ये जो हमने काजू लिए हैं ये डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा अब जो हमने मिर्ची ले रखी है हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको हम अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे, यानी कि हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने को भूनना भी बोलते हैं हम लोग, फ्राई भी बोलते हैं, भूनना भी बोलते हैं हम इसको।
तैयार। इसमें हमने ये टमाटर लिए हैं, अभी टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने अदरक ले लिया, इसको काट लेंगे बारीक करके, बारीक करके चॉप कर लेंगे इसको। और इसको भी हम इसमें डाल देंगे मसाले में। मसाला है देखने में, जिसमें इतना मजा आ रहा है तो सब्जी में कितना मजा आएगा। और इसमें हम थोड़ा सा दही डाल देंगे। अब चिकन को सीधे ये ऑयल हमने रख दिया है, सरसों का तेल गरम कर लिया है अच्छी तरह, और मैरिनेट करा हुआ चिकन इसमें। रोटी में अच्छे से भून जाना चाहिए, और इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। इसको थोड़ा देर हम कुक कर लेंगे। ये देखिए कितना इसमें पानी छोड़ दिया है, आप देखिए ज़्यादा हमारा चिकन पक चुका है। मसाला बना रखा है इसका, इसके लिए मसाला बना के रखा हमने, इसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब हमने ये चिकन का ही जो पानी निकला हुआ है इसको इसी में डाल देंगे। नहीं अब थोड़ी देर इसमें और ढक्कन लगा देंगे हम। ये देखिए
बना हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा मटर डाल देंगे। चलिए बनके तैयार हो गया हमारा। अब गैस को कर देंगे बंद। अब इसमें धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। क्या बात है, मजा आ गया दोस्तों। इसी तरह से कमेंट करके जरूर बताइएगा। लीजिए चिकन बनके, चिकन हैदराबादी बनके तैयार हो गया। अब करते हैं प्लेटिंग। अब चलिए कैसे बना है हैदराबादी चिकन तो टेस्ट करके बताते हैं आपको। देखने में तो बहुत मजा आ रहा है। गजब, वाह। अभी हमने नया टेक दे दिया इसमें थोड़ा मिर्च खाते। बहुत टेस्टी दोस्तों, बहुत टेस्टी। जल्दी जल्दी वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा मेरा ये हैदराबादी चिकन कैसा लगा आपको। इसी तरह से आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। अगर नॉनवेज खाने वाले हैं तो ज़रूर बनाइए, और जो नहीं खाने वाले हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। लेकिन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर बेल आइकन नहीं दबाई तो ये रेसिपी आप तक नहीं पहुंच जाएगी। लीजिए।